भारतीय स्विमिंग के दो उभरते नायक, एक ने 2018 समर यूथ ओलंपिक्स और 2019 वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट किया और दूसरे ने 2016 रियो ओलंपिक्स में और 2017 के एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन किया। अब दोनों हैं टोक्यो ओलंपिक्स में टीम इंडिया के शाइनिंग स्टार्स। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी कथन को अपने कर्म से सच कर दिखाने वालों में तैराकी के श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश का नाम अग्रणी है। केरल में जन्मे साजन प्रकाश ने 2013 की नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप से तैराकी की शुरुआत करते हुए 2021 सेटेकोली ट्रॉफी में 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में 1:56.38 का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अपनी दावेदारी पेश की। With the support of government of India, I could see the great margin of improvement when I got the support. This has no words to explain with the amount of help they have done. Wherever I go, I build a strong relationship with my team and my coaches. That relationship, that bond plays a huge role in supporting each other to achieve at the greatest levels. I think we are very thankful for the support. वहीं बेंगलुरु में जन्मे 20 वर्षीय श्रीहरि ने नेशनल स्विमिंग टूर्नामेंट्स में अपना डेब्यू 2017 के एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स से किया और 2021 सेटेकोली ट्रॉफी के 100 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में 53.77 की टाइमिंग के साथ एक कट हासिल करते हुए टोक्यो ओलंपिक्स में अपना स्थान पक्का कर लिया। Representing India at the Olympics is a dream come true. It feels great. It's a huge honor. They've been working a lot to make sure that we get the best. The team and the facilities, the support by the team, by the entire team who was racing in the meets were great. Very, very beneficial financially, moral support, the encouragement that I get. It's been, you know, a huge boost for me. अपनी अथक मेहनत और भारत सरकार के लगातार सहयोग से भारत को स्विमिंग में अविस्मरणीय पहचान दिलाने वाले साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।